लोकसभा चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर के महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की दृष्टिहीन बालिकाओं ने शहर को मतदान करने और जागरूक बनाने का संदेश दिया। गुजराती स्कूल से बॉम्बे हॉस्पिटल के बीच करीब 200 से ज्यादा बालिकाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ थामे मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश देती नजर आईं। बच्चियां हर आने जाने वालों को फूल देते हुए उनसे मतदान करने की अपील कर रही थी। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायत सीईओ नेहा मीणा भी बच्चियों का हौसला बढ़ाने पहुंची। उन्होंने महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की सराहनीय पहल का स्वागत करते हुए बच्चियों के इस अभियान की प्रशंसा की। ये महेश दृष्टिहीन ने स्वमेव ये इस तरह की जागरूकता की एक्टिविटी गई थी, जो हम सबके लिए एक उदाहरणीय है कि हमारे महेश दृष्टिहीन की जो बच्चियां हैं, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, उसी तरीके से उन्होंने स्वमेव इस चीज़ को लिया है एक चैलेंज की तरह दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। कि आज उन्होंने एक कैंपेन निकाला है जिसमें ये जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये कपड़े के फ्लावर्स हैं, वो वहीं की विजुअली इम्पेयर्ड बच्चियाँ हैं जिन्होंने बनाए हैं खुद से, और वो मतदान का संदेश देते हुए अपनी रैली में जो भी उनको व्यक्ति मिल रहा है, जो उनको लगता है कि मतदाता है, उसको वो 19 मई 2019 की डेट बता रहे हैं कि आप लोगों को जब उनका ये कहना है कि जब इतनी जो हम मानते हैं कि थोड़ा सा हर कोई सक्षम है, हम जानते हैं हर कोई सक्षम है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो विजुअली इम्पेयर्ड है फिर भी हम कहते हैं कि वोट डालने जाएँ, तो आप लोग क्यों नहीं जाएंगे वोट डालने के लिए। तो एक तरह का ये मैसेज देना चाह रहे हैं सबको मोटिवेट करने के लिए, सबको प्रोत्साहन करने के लिए, तो इसीलिए उनके द्वारा रैली निकाली गई थी। कल्याण संघ की ओर से परियोजना अधिकारी डॉली जोशी ने बताया कि बच्चियों ने शहर को मतदान करने का संदेश देते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया है। इसे शहर के अलग अलग हिस्सों में भी पढ़ाया जाएगा। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की कि जब ये बच्चे मतदान कर सकते हैं तो फिर आम नागरिक भी मतदान में अपनी भूमिका निभाएं। देखिए, यहाँ जो आप बच्चे देख रहे हैं 200 दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं जो महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ से बिलोंग करती हैं। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में और मेरा नाम डॉली जोशी है। हमारा जो कार्यक्रम का पर्पस है वो लोकसभा चुनाव 2019 है। हमारा ये उद्देश्य है कि अगर ये दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिकाएँ होकर अपने मत का उपयोग कर सकती हैं तो क्यों नहीं नॉर्मल लोग भी 100% वोट डालें और अपने मतदान का उपयोग करें। इसी भावना को लेकर ये बालिकाएं अपने हाथों में फ्लावर्स लेकर आई हैं और हम आपको ये बता दें कि ये जो फ्लावर्स हैं ये इन्हीं बच्चों ने तैयार किए हैं और ये सारे राहगीरों को देकर उन्हें ये जागरूकता का संदेश दे रही हैं। गीत गाकर नारे लगाकर ये बता रही हैं कि आप अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। वही दृष्टिहीन बच्चियों ने कहा कि यदि हम नेत्रहीन होते हुए भी 100% मतदान कर सकते हैं तो आम नागरिक क्यों नहीं कर सकते। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी नागरिकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 100% मतदान हम सब कर सकते हैं ब्लाइंड होकर तो आप सभी भी कर सकते हैं। जी, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, जब ये हमारे लिए हम चुनते हैं इन्हें ताकि हमारे लिए अच्छे काम कर सकें। सर, हम चाहते हैं कि जैसे हम दृष्टिबाधित मतलब बच्चे हैं, जब अगर हम सब मिलकर वोट दे सकते हैं तो हम चाहते हैं कि 100% मतलब वोट देना ज़रूरी है क्योंकि हम भारत के नागरिक है फर्स्ट बात तो, और ये हमारा मतलब मत देना मतलब वोट करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब अगर हम दे सकते हैं तो सभी लोग दें। उनसे हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि जैसे कि अगर हमारा एक ही वोट कम पड़ जाता है तो उससे हमारे मतलब हम जैसे वोट करते हैं उससे मतलब हमारा जो जो देश का विकास करने वाले मतलब जो नेता जो लोग रहते हैं उनको मतलब फिर मतलब आने प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो लोग हार जाते हैं। इसीलिए कल्याण संघ की कार्यकर्ताओं ने भी इस अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भी शहरवासियों से मतदान करने की अपील करते हुए 19 मई को मतदान करने का संदेश दिया। सर, हम लोग ये सोचते हैं कि इन्हें हम लोग जिस तरह से मतदान करने जाते हैं तो सभी लोग भी जाएं मतदान करने, अपना समय निकाल के और मतदान करें। सर, देश के लिए मतदान करना इसलिए ज़रूरी है कि देश का यदि जो भी हम नेता चुनेंगे वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा काम करें। हमारा अभी हम बच्चों को लेके आए हैं, सबसे हम बस यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं मतदान करने के लिए उसी तरह और लोग भी मतलब मतदान करें, अपना काम पहले छोड़ दें और अपना मत जरूर दें। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि इतनी गर्मी में महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की दृष्टिहीन बालिकाओं ने शहर को जो संदेश दिया वह सचमुच सराहनीय है। उम्मीद यही की जा सकती है कि उनकी यह पहल रंग लाएगी और मतदान के दिन मतदान बूथ पर शहर के लोग भी 100% मतदान करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।